तो ये देखो प्यारे बच्चों, ये एक ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें बताया जा रहा है कि एक्स टी ग्राफ है, ठीक ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो कहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगा? देखो, अगर मैं एक्स टी ग्राफ यहाँ बनाता हूँ, दिस इज़ द एक्स, दिस इज़ द टाइम टी ग्राफ। अगर एक्स टी ग्राफ बनाता हूँ तो एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप देता है, दिस इज थीटा, और यहाँ पर आके स्लोप जीरो हो गया, यहाँ थीटा जीरो हो गया, क्योंकि लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो ये जो थीटा था यहाँ पे, जो स्लोप है टेन थीटा, वो आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टी, एक्स बाई टी। तो ये क्या होती है भाई? वेलोसिटी। तो अगर थीटा जीरो होगा तो स्लोप भी, वेलोसिटी भी जीरो होगी। तो मैं देखूंगा कहाँ पर थीटा जीरो हो रहा है, ठीक ना। तो कहाँ पर थीटा जीरो हो रहा है, ये वाली चीज़ यहाँ पे मैं नोट करता हूँ। तो जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर अगर स्लोप देखते कैसे हैं, टेंजेंट बनाओगे, पॉइंट ए पे टेंजेंट बनाओगे, तो वो टेंजेंट जो है टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। तो पॉइंट ए पर थीटा जीरो है, तो पॉइंट ए पर वेलोसिटी जीरो है। यहाँ नहीं है, यहाँ टेंजेंट बनाओगे तो ऐसे आएगा, ये एंगल आ जाएगा स्लोप, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर टेंजेंट बनाओगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो बी पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे तो ये टेंजेंट फिर पैरेलल आ गया, तो यहाँ पर भी थीटा जीरो है, यहाँ पर भी स्पीड जीरो है। सी पॉइंट ऐसे हो गया, स्ट्रेट हो गया, तो यहाँ पर भी टेंजेंट बनाओगे, यहाँ पर भी वही हाल है, थीटा जीरो, स्पीड जीरो। मतलब तीन पॉइंट पर स्पीड जीरो, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी इज नॉन जीरो, ये ऑप्शन गलत है। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए एंड बी जीरो, बिल्कुल सही। वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी नॉन जीरो, बिल्कुल गलत। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डिफिनिट। देखो डिफिनिट मतलब क्या होता है, जब वेलोसिटी जीरो है, नल वेक्टर आ रहा है, तो नल वेक्टर का डायरेक्शन डिफिनिट होता है क्या? रैंडम होता है, हमें पता ही नहीं किधर है, ठीक है। तो ये भी गलत है, मतलब भी ऑप्शन सही है। थैंक यू।